अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइमन शरफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक गेमिंग पीसी बनाएंगे जिसमें हमारा बजट होगा 50,000। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपने कौन कौन से पार्ट्स बाय करने हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी और इस गेमिंग पीसी के आपको क्या बेंचमार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिना किसी का वक्त जाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यार, जो 50,000 बजट है ये काफी सही बजट है गेमिंग पीसी बनाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो अपना गेमिंग पीसी इसी बजट में बनाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा बजट है जो एक आम बंदे के लिए काफी ज्यादा पैसे है, मगर इसके अंदर आपका गेमिंग पीसी काफी अच्छा बन जाता है और 1080p बीस्ट गेमिंग बनता है, यानी कि जितनी भी गेम्स होती है वो 1080p पे काफी अच्छी सेटिंग्स के ऊपर आराम से चल जाती है। ये एक तरह से फिर भी बजट गेमिंग में आती है क्योंकि आपको एक स्ट्रिक्टली अपने बजट पे रहना होता है एक अच्छा पीसी बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कंप्यूटर्स में हम पार्ट्स कौन कौन से यूज करेंगे। पार्ट्स में आते हैं हम सबसे पहले अपने मेन कंपोनेंट सीपीयू की तरफ। हम इसके अंदर जो एक सीपीयू यूज करेंगे वो है कोर i7 थर्ड जनरेशन। मैंने ये सीपीयू इसलिए यूज किया क्योंकि एक तो ये कोर i7 की सीरीज है और ये ओवरक्लॉक भी हो जाती है। अगर आपने कोई इसका अल्टरनेट चूज करना हो तो आप i5 फोर्थ जनरेशन की तरफ देख सकते हैं, वो इससे थोड़ा सा चीप है, 1000 या 2000 रुपया सस्ता मिल जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कम है, मगर मुझे i7 थर्ड जनरेशन उससे ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी जो प्राइस है ये 13,000 है पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है मगर एवरेज 13,000 है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो ये 3.4 GHz है बेस क्लॉक, ये 4 कोर्स और 8 थ्रेड में है और जीपीयू के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी नॉर्मल अच्छा जीपीयू इस पे साथ लगाएंगे पेयर करेंगे तो उसकी पेयरिंग काफी अच्छी होगी और आपको गेम में अच्छे FPS मिलेंगे। अब अगर हम इसमें रैम की बात करें तो पहले मैं 8GB रैम यूज करता था और काफी ज्यादा लोगों ने 50,000 के बिल्ड के अंदर 8GB रैम यूज की, मगर वो पुरानी है क्योंकि अब की गेमों के अंदर रैम की यूजेज काफी ज्यादा होती है। जैसे कि अगर आप फ्लाइट सिमुलेटर देख लें या अगर वार जोन देख लें तो उसमें आपको रैम काफी ज्यादा लगवानी पड़ती है। इसलिए अब हम जो इसमें रैम यूज करेंगे वो करेंगे DDR3 की 12GB की रैम 1600 MHz, ये आपको तकरीबन 5000 रुपए की पड़ेगी, इसलिए जो आपको रैम होगी वो काफी ज्यादा मिलेगी और आपको भी रैम तंग नहीं करेगी। अब अगर हम इसमें स्टोरेज की बात करें तो हम इसमें SSD भी यूज करेंगे और हार्ड ड्राइव भी, क्योंकि टाइट बजट है इसलिए SSD हम हल्की यूज करेंगे। SSD हम यूज करेंगे वो 128GB की होगी जो हमें 2500 रुपए में मिलती है 6GB पर सेकंड वाली, और जो हार्ड ड्राइव हम यूज करेंगे वो 500GB की होगी 7200 RPM 1500 रुपए की। तो ये इसका अब तक का रेट हो गया सिर्फ CPU। अगर अब हम बात करेंगे इसके काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की जो है GPU, जिसकी वजह से आपकी तमाम गेम्स चलेंगी, तो हम जो इसमें GPU यूज करेंगे वो दो तरह के हैं। सबसे पहले हम AMD वाले GPU की बात करते हैं, वो आपको पता है सबसे बेस्ट जो GPU इस प्राइस में रहेगा वो है RX 580। मैंने वैसे इसमें 8GB वाला चूज किया, मगर आपको अगर 8GB वाला अपने रेंज से बाहर मिल रहा है तो आप 4GB की तरफ जरूर जा सकते हैं। यार आप जो मर्जी कह लें, अगर आपको RX 580 नहीं भी लेना पसंद तो वो आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, मगर इसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ही जबरदस्त ग्राफिक कार्ड है गेमिंग के लिए, आपको इससे बेस्ट ग्राफिक कार्ड इसकी प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। पहले हम इसकी स्पेक्स की बात करते हैं, इसमें आपको 8GB की मेमोरी मिलेगी और ये 256GB और DDR5 है। अगर हम इसकी अब प्राइस की बात करें तो ये आपको तकरीबन पाकिस्तान में 25,000 रुपए का मिलेगी। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, जैसे आपको पता है लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में कम से कम इस GPU की प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज की गई है, कई जगह पे आपको 27,000 से 28,000 रुपए भी मिलता है, मगर आप अगर ढूंढने पर आए तो आपको इजीली ये 25,000 रुपए का मिल जाएगा क्योंकि ये पिछले ही साल तकरीबन 20,000 का बड़े आराम से हर जगह से मिल रहा था और उससे एक साल पहले तो ये 18,000 रुपए का मिल रहा था। तो 25,000 रुपए का कोई इसकी बुरी प्राइस नहीं है। हाँ, अगर आपको फिर भी महंगा मिलता है तो आप ये 4GB का वाला ले लें, आपको 4GB वाला भी बहुत सही मिल जाएगा। अगर हम इसके अल्टरनेट कोई ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अल्टरनेट सिर्फ एक ही है, GTX 1060, लेकिन इसकी प्राइस पिछले दिनों बहुत ज्यादा इंक्रीज करी गई क्योंकि एक तो ये NVIDIA का है और NVIDIA को आपको पता है जैसे एप्पल की तरह इसकी भी इन्होंने रीसेल काफी ज्यादा अच्छी कर दी है। ये आपको 35,000 रुपए का मिलेगा और कुछ इससे पहले ये आराम से आपको 21,000 रुपए का भी मिल जाता था। GTX 1060 6GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, वो 35,000 रुपए का आपको मिलेगा, और अगर आप इस 3GB वाले वेरिएंट की बात करें तो वो आपको तकरीबन यही 25,000 से 27,000 के दरमियान मिलेगा। इन तमाम चीजों को असेंबल करने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। आप लोगों को पता होगा वो मैंने एंड पे रखा है क्योंकि हम इसमें जो मदरबोर्ड यूज करेंगे वो कोई आम सा मदरबोर्ड है, MSI का S61। इसके अंदर आपको रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं 4, इसके अंदर आपको 4 SATA के स्लॉट्स मिल जाते हैं, आप अपने हार्ड ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक मदरबोर्ड है मगर अच्छा है। ये आपको तकरीबन 5,000 रुपए का मिलेगा विद पावर सप्लाई। आपने इसके अंदर पावर सप्लाई यूज करनी है 500 वॉट की। हमारे यहाँ पे लोग पावर सप्लाई बहुत कम लगा देते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि ओवर टाइम आपके जो जितने भी पीसी कंपोनेंट्स हैं वो सारे जाया हो जाते हैं, अक्सर खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं कम पावर सप्लाई की वजह से। इसलिए आपने इस पीसी के ऊपर कम से कम भी अपनी 500 वॉट की पावर सप्लाई लगानी है और ओवर टाइम आपने चेंज कर लेनी है और किसी अच्छी कंपनी की पावर सप्लाई लगानी है। अभी हम बजट में रहते हैं इसलिए हम इसमें पावर सप्लाई एक आम सी 500 वॉट की लगा रहे हैं,
लेकिन बाद में आपने ये जरूर किसी अच्छी कंपनी की लगा लेनी है। अब अगर हम इसमें केसिंग की बात करें तो केसिंग आप जो मर्जी देख लीजिएगा, केसिंग हमारे बजट से बाहर जा रही है। तक का ये जितना भी पीसी है तकरीबन 50,000 रुपए का बन गया है और केसिंग मैंने इंक्लूड नहीं की। मुझे उम्मीद है कि आपको तकरीबन अगर आप किसी एक शॉप से इकट्ठा बनवाएंगे तो आपको नॉर्मल से कोई केसिंग दे देगा जो 1,000-1,500 रुपए की आती है और आप उसी में अपनी फिट कर लीजिएगा। आपको आरजीबी केसिंग की तरफ जाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बजट कम है। अब अगर हम इसके बेंचमार्क की तरफ आ जाए तो इसके बेंचमार्क तो आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे क्योंकि आपने इसके अंदर RX 580 लगवाया है और i7 थर्ड जनरेशन इसका बेस्ट पेयर है, यानी कि आपको FPS नॉर्मल से ज्यादा मिलेंगे। ये तमाम जो गेम्स हैं ये 1080p के ऊपर है। अब अगर हम इसमें RDR2 की बात करें तो वो मीडियम सेटिंग्स के ऊपर हमें आराम से 86 FPS मिल जाएंगे। असासिन क्रीड वल्हाला की बात करें तो वो हमें मीडियम सेटिंग्स पे 60 FPS दे देगी। हम वॉच डॉग लीजेंड को देखें तो वो हमें आराम से मीडियम सेटिंग्स के ऊपर 50 FPS मिल जाएंगे। अगर हम डूम 2020 की बात करें तो उसके ऊपर हमें हाईएस्ट सेटिंग्स के ऊपर तकरीबन 80 FPS मिल जाएंगे। अगर हम GTA 5 की बात करें, ये काफी पुरानी गेम है मगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है अगर मैं इसको अपने बेंचमार्क्स के अंदर यूज करूं, वो हमें अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर आराम से 90 FPS दे देती है। तो बस यार आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज साइम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।